ब्रह्म विचार सार परमान आद्याम जगद व्यापणी में बीड़ा पुस्तक धारणी में भय द्याम जाद्यांधकारापहाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरणासम हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। बोली भागवत भगवान की जय हो। गोविंद हरे गो पाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद
जय यशोदा के लाल हरे, जय जय यशोदा के, भगवान की बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधर ही अब ही आज, लेकिन कब जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई बात एक पल में समर जाती है, बन जाती है, ऐसा हमारे संतों का मानना है। ऋषियों महर्षियों ने ऐसा हमें चलने का रास्ता दिखाया है, बताया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए। और इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद यदि जीव परमात्मा को भूल जाता है तो कष्ट आत्मा को होता है। जब आत्मा को कष्ट होता है तो शरीर छीण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रोग का घर बन जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर का संचालन करने का यदि किसी के पास पूर्ण अधिकार है तो आत्मा। शरीर को मजबूत करेगा भोजन, जो आप भोजन करते हैं, दाल चावल आटा सब्जी जो भी कुछ खाते पीते हैं आप, मिठाई लड्डू पेड़ा जो भोजन करते हैं, इस भोजन से आपके शरीर को मजबूती मिलती है, शरीर आपका मजबूत होता है। लेकिन शरीर को चलाता कौन है? बोलो, बोलो। शरीर को चलाता है इसके अंदर जो व्याप्त है ईश्वर का अंश यानी आत्मा। उस आत्मा को ही भोजन तो चाहिए। साइकिल आपकी बहुत अच्छी बनी हो लेकिन चलाने वाला ना कोई हो तो क्या साइकिल आपको नसीराबाद पहुंचा देगी ऑटोमेटिक? हैं? बिना चलाए आपकी साइकिल नसीराबाद पहुंच सकती है? चाहे बिल्कुल चाहे न्यू कंपनी की निकाल करके लाई गई हो, नहीं। उसी प्रकार से ये शरीर मान लीजिए कि नाना प्रकार के औजारों को जोड़ करके नेट बुल्ट लगा करके तैयार कर दिया गया है और इस शरीर को चलाने के लिए इसमें बैठा है ईश्वर का अंश जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये शरीर मिट्टी हो जाएगा और इस आत्मा का मुख्य भोजन है भजन। क्या है? भजन। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकानेक जन्मों की, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद इस आत्मा को एक बार मनुष्य के शरीर में प्रवेश होने का समय मिलता है और इन 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद यदि जब हमें एक बार मनुष्य का शरीर मिला और फिर भी इस मनुष्य शरीर को पा करके यदि हम ऐसे गंवा देंगे तो जो अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है फिर ये कभी बनने वाली नहीं है। इसलिए ये मनुष्य के शरीर को पा करके जितना अधिक से अधिक हो सके हम भगवान का भजन करें तब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर ही अब ही आज। लेकिन कब? होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंगति बुरे लोगों के समाज को छोड़ करके, गंदे लोगों के समाज को छोड़ करके धर्म सभा में बैठें और भगवान का चिंतन करें, भगवान का जप करें, प्रभु के नाम की कीर्तन करें, तब तब आपके जन्म जन्मांतर के जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो सब बड़ी आसानी से बन जाती हैं और फिर हम मन चाही वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। बोली सांवरे सरकार की। तो इसलिए आप सब कीर्तन में जरूर बोला करें। सब लोग दो बार फिर बोले बड़े प्रेम से, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, धनुष बाण तर कस वारे, सीताराम
सीताराम सीताराम बोल प्यारे, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, धनुष बाण कर कसवारे, धनुष बोल प्यारे, शिव शक्ति शिव शक्ति बोल प्यारे, करत सूल डमरुआरे, करत सूल डमरुआरे, करत सूल डमरू, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, सीताराम सीताराम धनुष बाण कर कसवारे, हाँ धनुष राधे श्याम राधे श्याम बोल प्यारे, राधे श्याम, सभी लोग गाए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बड़ी मस्ती में, हे राधे श्याम राधे श्याम बोल प्यारे, राधे श्याम मोर मुकुट बंसी वारे, हाँ मोर मुकुट बंसी, सीताराम बोले ध्यानाथ की। तो आइए, यद्यपि की समय कम है, फिर भी कम समय में आप सबको हम श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा महत्व को संक्षेप में बताते हुए हम सीधे आपको भगवान की कथा की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्षों से आप लोग लगातार भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सब भी सौभाग्यशाली हैं और हम सब लोग भी सौभाग्यशाली हैं जो आपके बीच में भगवान की कथा को गाने का अवसर बार बार प्राप्त होता है। आप सभी को इस आयोजन को करने वाले हों, चाहे आयोजन को संपन्न कराने वाले हों, व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना है। सबके जीवन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। भागवत के बारे में तो हमने आप सबको कई बार बताया है, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, श्रोयाक्ष द्वयायुक्तो मम संतोष कारणम। स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं किन लोकों में जो विख्यात पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भी भक्त बड़ी भावना के साथ श्रद्धा युक्त होकर के इस भगवान की कथा को श्रवण करता है वो मुझे बड़ा ही प्रिय हो जाता है, पावन हो जाता है। इतना ही नहीं, नित्यं भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्यम कपिला दानजम फलम। इतना महत्व बतलाया गया भागवत का, इतना महत्व बतलाया गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के इस श्री भागवत महापुराण का पाठ करता है, कथा सुनता है। अच्छा सुनो, अगर हम प्रतिदिन कथा ना सुन पावे, पाठ ना कर पावे, अगर एक भी शब्द इस जिह्वा पर, एक अक्षर भी इस जिह्वा पर भागवत का आ जाता है
तो उसको एक कपिला गाय दान देने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्षरम भवे तस्यम कपिला दानजम फलम। एक अक्षर भी इस जिह्वा पर अगर भागवत का मुख से निकल रहा है तो समझो कि कपिला गाय दान देने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि बार बार आप सबको ये भागवत की कथा भगवान की कृपा से सुनने को मिल रही है। दुर्लभयो कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवः कोटि जन्म समुत्थेने पुण्यो तु लभ्यते। श्री सूत जी बताते हैं दुर्लभयो कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवः। इस लोक में अर्थात मृत्यु लोक में आने के बाद भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ सुगम है किसके लिए, कोटि जन्म समुत्थेने पुण्यो तु लभ्यते, जिसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी को इस भागवत की कथा को सुनने का अधिकार प्राप्त होता है, या यूं मान लीजिए कि उसी को भागवत की कथा सुनने को मिलती है। तो आप लोग बिल्कुल ये 101 नहीं चाहे 1001% मान लीजिए कि आप सबके कई जन्मों के पाप नष्ट हुए हैं और कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जिसके प्रभाव से आप सबको माँ भगवती देवादेव महादेव के पवित्र पावन प्रांगण में ये भागवत की मंगलमय कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। वरना इसके लिए ना जाने कितने कितने लोग उपाय कर डालते हैं, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था कर डालते हैं और फिर भी कभी कभी ऐसी ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि सुन नहीं पाते हैं, या अब उनका हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, अभी ये बीच में महामारी का प्रकोप 2 वर्ष से खूब तेज चल रहा है ना। हम आपको बताएं कम से कम 10-12 कार्यक्रम हमारे भागवत के फिक्स थे जहां होना था, और इस महामारी कोरोना काल में 2-3 कथाएं हुई हैं और सब कैंसिल हो गई। और सबसे दुख की बात ये बताएं आपको हम कि जिन्होंने भागवत की डेट रखा था, गया इत्यादि तीर्थों में पिंडदान करके आए थे, जिनके यहाँ ब्रह्मभोज होना था, भागवत की तिथि निश्चित हो गई थी, वे इस महामारी में 4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने धराधाम को छोड़ दिया, शरीर ही छूट गया, रहे ही नहीं धरती पर। अब आप विचार करिए, कुछ भी विचार कर सकते हैं, उनके हम तो यही कहेंगे कि उनके भाग्य में ही नहीं था। तिथि निश्चित हो गई, गया इत्यादि तीर्थों में पिंडदान हो गया, केवल ब्रह्म भोज भागवत होना था और वो हो नहीं पाया। इसलिए हम कहते हैं जब करोड़ों जन्मों के पाप उदय होते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नाश होते हैं और करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो जीवन में भागवत की जैसी मंगलमय कथा हमको आपको सबको सुनने को मिलती। तो कम से कम जितनी देर तक आप सब यहां रहें उतनी देर तक बड़े मस्ती में और बड़े भाव के साथ बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा को सुने, वरना ये जीवन जीवन का तो एक एक क्षण बीत जाएगा, इसको हम आप कोई बचा नहीं सकते। तो जाना है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक, यहाँ जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा करके यहाँ से चले। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जो जीवन की कली है इसका कोई ठिकाना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और को जान ये प्रात खिली न खिली। सवेरा कैसा हो किसी को पता है?
क्षण भंगुर जीवन की कलिका को जानय प्रात खिली न खिली मलयाचल की सुच शीतल मंद समीर को जान मिली न मिली क्यों क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली ओ भजले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में हिली ना। ये रसना कहते हैं जिह्वा को अंतिम समय में हिले कि ना हिले उससे हम कुछ बोल पावे कि ना बोल पावे तो कम से कम जब तक प्रभु ने सामर्थ्य दिया है शक्ति दिया है तब तक तो हम भगवान की कथा में भगवान की सेवा में लगे रहे तभी जीव का और जीव के साथ साथ जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्यों हमारे कबीर साहब जी भजन गाया करते थे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा प्यारा भजन था। संतन का मतलब है संतों के संग में बैठे उनके विचारों से ओत प्रोत हो अपने धर्म के बारे में जाने अपने बारे में जाने हम क्या हैं। देखिए भागवत की कथा हम बांच दें बांच के चले जाएंगे जब तक इस भागवत को सुनने के बाद आपके अंदर बदलाव ना हो जाए तब तक आपका भागवत सुनना ना सुनना कोई मतलब नहीं है। सुनने के बाद बदलाव होना चाहिए। कैसा बदलाव? अपने आत्मिक विचारों में बदलाव आवे। यदि कहीं से हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पे सुधार करें अपने आप को जाने अपने धर्म को जाने अपने आप को और अपने बाप को। मतलब कौन सा बाप? जो जगत का पति है संसार का पति है त्रिलोक ना त्रिलोक का पिता है जगत पिता है। बोलिए सच्चिदानंद सरकार की। आइए माताएं आपस में बातचीत करें बातचीत मत करिए शांति से बैठिए और आवाजाही मत लगाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मूल बातें बताएंगे हम। पहली बात क्या है? पहली बात क्योंकि समय आज बहुत ज्यादा हो गया है पहली बात तो ये जान लीजिए कि भागवत को किसने लिखा क्यों लिखा इस भागवत के श्रोता कौन है वक्ता कौन है आज इतने जान लीजिए इतने काफी है आज की तिथि में। तो पहली बात यह है कि इस भागवत को लिखा श्री वेद व्यास जी ने क्यों बता रहे हैं वो भी देखिए 17 पुराणों को वेद व्यास जी ने रच करके तैयार किया उनके मन को शांति नहीं हुई हिमालय में चले गए क्यों। अच्छा ये बताओ जब मन उब जाता है तब लोग जंगल क्यों जाते हैं वन क्यों जाते हैं क्यों जंगल में जाते हैं बोलो जानते हो नहीं जानते हो तो जान लो। जो लोग कहते हैं कि बाबा जंगल में गए से क्या होगा बाबा जंगल में जाने से क्या मिलेगा उसको जानिए जंगल में लोग हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि क्यों जंगल में जाया करते थे। जंगल का नाम है वन और वन में जाने के बाद देखिए जहां आप रहेंगे उसी की याद आएगी। आप परिवार में हैं तो परिवार के लोगों की याद आएगी आप मार्केट में हैं तो मार्केट के लोगों को देख देख करके याद आएगी आप कथा में हैं तो जो कथा में बैठे उन लोगों की याद बनी रहेगी और जब आप वन में चले जाएंगे तो वन जो वन है जो वन के पेड़ है उन पेड़ों के बारे में आपको याद आएगी और फिर पेड़ों के साथ साथ उस बनाने वाले की याद आएगी जिसने इस वन को बनाया है।
सीधा सीधा अर्थ समझिए, बन में जाने के बाद हमें बनाने वाले से लगन लग जाती है। उस परमपिता परमात्मा की याद हमारे हृदय में जाग जाती है। इसलिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि योगी यति तपी सन्यासी उदासी सब जब जब घर छोड़ करके भागे हैं तब बन की ओर को प्रस्थान किया। क्यों? बनाने वाले की याद आती है और कुछ फिर बन जाते हैं बन जाने के बाद। क्या आज तक आपने कभी किसी को सुना कि कोई बन जाने वाला बिगड़ा है? बोलो भाई, मैं उनकी बात नहीं करता। नहीं कहते बाबा बड़े बड़े बाबा जेल में हैं, वो बन वाले बाबा नहीं, वो तो एसी वाले बाबा हैं। लेकिन कोई बन में जाने वाला बाबा कोई बिगड़ा है आज तक? बोलो, जो भी बन में गया है वो बन करके आया है। क्यों? क्योंकि वहां बनाने वाले की 2400 घंटे याद बनी रहती है। और जिसका मन बनाने वाले से लग जाता है फिर कभी बिगड़ता नहीं है। आज वेद व्यास जी भी 17 पुराणों को रच करके हिमालय की गुफा में चले गए। भगवान श्री नारायण के नाम का खूब कठिन तपस्या नारद जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने भेजा और फिर नारद जी ने वेद व्यास के मन की व्यथा को जाना। 4 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण भागवत के रस को वेद व्यास को पिला दिया और उन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत की 18,000 भागवत के श्लोकों की रचना करके तैयार किया। ये बहुत संक्षेप में इसलिए बता रहे हैं कि कई बार हम आपको बता चुके हैं। और फिर उस भागवत का सर्वप्रथम ज्ञान करवाया किसको? अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को। अब यहां थोड़ा सा रहस्य है, इस रहस्य को थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे हम। नाम ही है सुखदेव। देखो आवाज के जमाने में तो ऐसा नहीं, क्यों भैया? आज तो भाई नाम है कुछ अलग और काम है कुछ अलग। नाम है श्याम बिहारी, काम है चोरी है? नाम है राम राज और कहा पूरे गांव की जमीन हड़प लिए। जिसका जैसा नाम है अब ऐसा स्वभाव बहुत कम मिल पा रहा है। लेकिन पूर्व में हमारे यहां ऐसी व्यवस्था थी नाम के अनुसार गुण उसमें पाए जाते थे। तो यहां नाम है वेद व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव। और सुखदेव माने सुख माने होता है तोता, देव माने होता है देवता। यहां एक तोता देवता बन गया, ये बात विचारणीय है। इसलिए थोड़ा सा इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सुख माने तोता, बहुत ध्यान से सुनिए। सुख माने तोता, देव माने देवता, जो तेवता जो तोता देवताओं के तुल्य हो जाए उसी को कहते हैं सुखदेव। एक सेकंड कह रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ी है, जनरेटर में सही कर लें तो फिर आपको सुनाते हैं। तब